तो हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन, एरे के थ्रू कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके बारे में चलिए बात करते हैं। हमने यहां पे कुछ नंबर्स दे दिए या जो कि आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए इन सारे नंबर्स पे कुछ कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन करनी है? सबसे पहले तो सबको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, उसके बाद इसमें ऐड 200 करना है, फिर सबका जो है मुझे 60% कैलकुलेट करना है, फिर सबको जो है डिवाइड करना है किससे, 10 से, और फिर इसमें ऐड करना है मुझे 50, और फिर फाइनली रिजल्ट को करना है सम। मान लीजिए एक सिक्वेंसली ऐसे करना है आप, तो आप क्या करेंगे? पहले मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 इंडिविजुअली करता हूं सबको, फिर इसमें ऐड करता हूं 200, उसके बाद फिर इसमें इसका 60% कैलकुलेट करता हूं, फिर इसको मैं डिवाइड बाय 10 करता हूं, फिर इसमें +50 करता हूं इंडिविजुअली सम में, और फाइनली फिर मैं सम का फॉर्मूला यहां लगाऊंगा और रिजल्ट लूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 397 हमारा टोटल आया, लेकिन इस 397 को लाने के लिए हमने क्या किया? हमने 25 सेल में कैलकुलेशन किया। अब एरे के थ्रू अगर चलते हैं तो एक काम एक ही सेल में हो जाता है, जैसे इक्वल हम सम करते हैं, ठीक है? सम में हमने इसको सिलेक्ट किया, फाइनल रिजल्ट सम ही दे रहा है ना, इसलिए सम से शुरू करेंगे। मैं रिवर्स में, इसमें हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 +200 मल्टीप्लाई बाय 60% डिवाइड बाय 10 +50, एंटर मारे, रिजल्ट गलत आ रहा है। रिजल्ट गलत क्यों आ रहा है सर? क्योंकि हमने बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं किया है। नहीं, क्या नहीं किया? बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं किया, तो हमें यहां ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होगा। क्या करना होगा? ब्राइट जी हाँ, ब्रैकेट का इस्तेमाल। और फिर इसको एंटर प्रेस करते हैं, आ गया 397। जी, समझ में आया कि नहीं सर? तो बेसिकली एरे का रोल यही होता है कि कई सारे एरिया के कैलकुलेशन को एक सेल में कर देते हैं, ठीक है? जी समझ में आया आप लोगों को? तो आप सोचिए जी कि बताइए। नॉर्मल फॉर्मूला लगाने के बाद इतना लंबा झमेला चाहिए या एरे के साथ इतना छोटा चाहिए? अच्छा, यहां पे मैं डायरेक्टली मार दिया एंटर तो ये हो गए, क्यों? क्योंकि ये जो है आपका नॉर्मल एक्सेल है ना, इसलिए ये आपका एक्सेल 2000 लेटेस्ट वर्जन है इसलिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होती है कि आपके सिस्टम में वर्क नहीं करेगा। ना करने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि नॉर्मल जो पुराने वर्जन 13 और 16 के वर्जन है या 7 के जो वर्जन है उसमें एरे डिफॉल्ट नहीं, ठीक है? एरे जो है वो डिफॉल्ट नहीं है, इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना हो। हम बात करते हैं आपकी कि आपने जैसे बोला कि सर समझ में क्या कहना चाहता है बुक मुझे समझ में नहीं आया, राइट?
तो चलिए हम समझते हैं कि आपका बुक क्या कहता है। तो हमने जो बुक आपको भेजा था वो बुक हमने खोल लिया। अब इसकी हमने बताया था एरे का चैप्टर जो कि 14 चैप्टर है। तो 14 चैप्टर स्टार्ट है 367 से। तो 367 प्लस 7 जोड़ लीजिए कितना होगा? आई थिंक 380 खोलते हैं ये यहाँ पे। तो नहीं 367 नहीं है, 345 ही है क्योंकि कुछ 390। हाँ ये आएगा, आ गया था एरे फॉर्मूला चैप्टर नंबर 14 एंड 15। अगर हम पीडीएफ की पेज बात करें तो 391 है और बुक की पेज की बात करें तो 367। अब इसमें क्या कहता है, चलिए इस चीज को समझते हैं। ये आपका बता रहा है कि ये डेटा आपके पास है तो आप जो है इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। माने मैन्युअली एक एक मल्टीप्लाई करें। अब इसकी समझते हैं एक क्या कर रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहां मेरे पास क्वांटिटी है और यहां पे मेरे पास एमआरपी है, ठीक है, 50, 60, 70, 80 हमने ले लिया और यहां पे एमआरपी में भी हम सेम करते हैं। तो ये कह रहा है कि आप जो है इंडिविजुअली इस तरह से मल्टीप्लाई करें, ठीक है सर, या फिर एक ही सेल में आप जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई लगा के कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दें। समझ में आया सर? समझे कि नहीं सर? जी तो ये एक तरह से आपका कम गया, तो ये चीज यही समझा रहा है। और आपको सम चाहिए तो ये भी कर रहा है। अब यहां पे एक चीज और आ गया कि आपको सम चाहिए तो आपको एक सेल में करने की जरूरत नहीं है, सेम कैलकुलेशन यहां आप इक्वल सम और इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारिए और ये देखिए आपको आ गया। मतलब अलग अलग सेल पे आप मल्टीप्लाई करके जो यहाँ टोटल करते थे वो आप एक साथ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको ये करने की कोशिश कर रहा है, देखना, ए सिंगल सेल एरे फॉर्मूला, राइट, ठीक है। तो इस तरह से सम के अंदर में एक सिक्वेंसली आपस में मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन सब कर सकते हैं। वही आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ कि ए वन मल्टीप्लाई बाय वन, बी ए मल्टीप्लाई बाय टू। जैसे यहां देखिए कि सम ए वन से फॉर्मूला लगा, ए कर्ली ब्रैकेट में दिया और ए हुआ कि ये फॉर्मूला, ये देख रहे इक्विवेलेंट जो हुआ ए हुआ, इक्विवेलेंट जो हुआ ए हुआ इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है ना उसको फॉलो कीजिए, ये जो सब दिए हुए हैं उसको सही देखिए। यहाँ देखिए टू डायमेंशन आ रहे थे क्या आपको। अब ये करने की कोशिश कर रहा है, ये स्टोरेज के बारे में समझा रहा है कि हम जो यहाँ लिखते हैं यहाँ पे कि 1, 2, 3, 4, 5 जो मैनुअली लिखते हैं, आपको मैंने समझाया था ना चीज, कि हम यहीं पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पे कॉमा जो है वो हमारा रो को, इसको कॉलम दर्शाता है, सिंगल कोट हमारा रो दर्शाता है। यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10। और जब एंटर मारेंगे तो 5 के बाद नीचे टूट के आएगा। इसको बोलते हैं टू डायमेंशन एरे। क्या बोलते हैं? टू डायमेंशन एरे, जिसमें रो एंड कॉलम दोनों का बोध होता है। यही चीज ने समझाया है आपको, आप इसको ट्राई करते हैं, ठीक है सर। फिर नेमिंग मेथड में एरे का क्या इस्तेमाल है वो है यहाँ पे। तो ये तीसरा पार्ट है स्टोरेज के बारे में। तो इसमें हमने आपको आज जो बताया कैलकुलेशन, कि हम एरे के जरिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मली। तो इसके एरे के तीन पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन एंड डेटा स्टोर। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया, कैलकुलेशन समझा दिया, ठीक है सर। और डेटा स्टोरेज की बात आई तो डेटा स्टोरेज को हम आपको कल समझाएंगे। उसके बाद
एक क्लास और देंगे जिसमें हम एरे के कुछ मिसलेनियस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका ये आ गया सम ऑफ द थ्री स्मॉलेस्ट नंबर, में एक ही फॉर्मूला में तीन स्मॉलेस्ट नंबर को सम कर दिया, इसने ये फॉर्मूला लगाया। देखिए ठीक है सर, आप एक एक करके यहाँ बता रहा है कि आप अगर विदाउट एरे करेंगे तो तीन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि स्मॉल डेटा वन, स्मॉल डेटा टू, स्मॉल डेटा थ्री, लेकिन जब एरे में डालिए स्मॉल और कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ इसे दिखाया भी है, तो इसको पढ़िए एक बार और इसके एग्जाम्पल जो करने की कोशिश कीजिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है ना और यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ऐसा बनाइए और जिस सेल में फॉर्मूला लगाया है जैसे लगाया वैसे लगा दीजिए। सिंपल, लगाने के बाद रिजल्ट को चेक कीजिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए क्या समझा रहा है। ठीक है, जी, चलिए तो मिलते हैं कल सेम टाइम।